सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यार फिर से रिव्यू चैनल व्लॉग चैनल में कन्वर्ट हो चुका है। पिछला आपने देखा होगा मेरा शिमला वाला व्लॉग, तो फिर से अभी एक रैंडम प्लान बन चुका है। और यार इससे ज्यादा रैंडम और कुछ हो नहीं सकता। मैं बस यूं लगा लो अपने कॉलेज से आया था, तभी इस भाई साहब ने मेरे को ऐसा झांसा दिया इसने मेरे को, ऐसा किडनैप किया इसने मेरे को। तो भाई ट्रिप की इससे अच्छी और ज्यादा कुछ शुरुआत नहीं हो सकती। अभी हम चढ़े ही थे बस केएमपी पे, देख इसमें नीचे इंजन ऑयल इसका टपकने लग गया। अभी से पहले स्टार्ट ही हुआ था बस केएमपी। ट्रिप की इससे बढ़िया और कुछ शुरुआत नहीं हो सकती इस ट्रिप। तो यार इस ट्रिप का मेरे को कुछ नहीं पता फिलहाल कहाँ पे जा रहे हैं हम। बस मेरे को यूँ पता है कि एमपी पे चढ़ चुके हैं, तो शायद राजस्थान साइड ही जा रहे होंगे। बाकी आगे की आपको अपडेट में देता रहूंगा कहाँ पे जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो गाइस, अब केएमपी पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे स्पीड लिमिट होती है 120 की, तो फिर भी लिमिट में चल रहे हैं। और देख सकते हो 100 पे चल रहे अभी फिलहाल। तो हम सारे रूल्स को फॉलो करके चलते हैं आराम से। गाइस फिलहाल हम चढ़ चुके हैं जयपुर हाईवे पे और केएमपी का सफर था वो खत्म हो चुका है। और यार जो ये मेरी ड्रेस है ये आपसे ज्यादा मेरे को खुद फ्रस्ट्रेट कर रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सेल्समैन वाली फीलिंग आ रही है मेरे को इस ड्रेस को देख के। तू ऐसे सस्ते भी लोग भाई, मेरे पास तो खुद के तो यार कपड़े है नहीं, पीछे इसी के पहनूंगा मैं पूरा अपना फुल प्रूफ अपनी प्लानिंग करके आया था। बाद में पता चला मेरे को स्टार्ट रास्ते में किडनैप करना इसको कहते हैं। स्टार्टिंग में तो यार मेरे को यूं लग रहा था कि ये मजाक कर रहे हैं, कि इसने यूं बोला मेरे को स्टार्टिंग कि भाई तू किडनैप हो गया। मैं कहां के लिए किडनैप हो गया, यही जाते होंगे मुरथल तक जाते होंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यार बाद में तो ऐसा हाल कर दिया इसने बिल्कुल, मेरा ऐसा शौक दिया इसने मेरे को। लेकिन वो अब शौक निकल चुका है सारा। तो गाइस टाइम हो चुका है फिलहाल 5:32 और यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है मैप पे लगभग 3.5 घंटे और किलोमीटर आप सोच सकते हो 206 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी देखते हैं कि कितने बजे तक पहुँचते हैं। अप्रोक्स मेरे को लग रहा है 7 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे अगर इसने भगाई तो। अगर नहीं अगर पूरे यूं बस पुलिस वाले ना मिले रास्ते में क्योंकि यार ड्रंक। तो गाइस ये तो है सीएनजी कार का, बार बार इसमें सीएनजी फुल करानी पड़ती है। और डीजल का एक बार टैंक फुल कराया सारा काम खत्म। मुश्किल से 80-90 किलोमीटर चली होगी, अब हमको दोबारा सीएनजी डलवानी पड़ रही है इसमें। और जब हम राजस्थान में एंटर करेंगे तब तो यार आप रेट देखना सीएनजी के। सीएनजी तो वहाँ पे मिलेगी नहीं, आप तेल के रेट देखना वहाँ पे कितने ज्यादा मिलने वाले हैं। तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है बिल्कुल फॉर्म में। मैंने अपनी शर्ट निकाल चुकी है, बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ इसकी, मैंने टी शर्ट डाल चुकी है अब बिल्कुल। अब ट्रिप वाला मूड आ चुका है। स्टार्टिंग में ऐसा था मेरे को बिल्कुल भी यकीन सा नहीं हो रहा था यार पहली बात तो कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। लेकिन अब आ चुके हैं हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं, तो यार पूरा धमाल मचने वाला है। भाई फिलहाल बच चुके हैं 7 और यार बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है यार जो हमारा ड्राइवर है ना, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। शरीफ तो है तू, स्लो भी है तू। पर कोई नहीं यार, मजे आ रहे हैं यार। मेन बात ये है मजे आ रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए यार फिलहाल। तो इतना टाइम लग रहा है ना उसका रीजन ये है, जो स्पीड हमारी वो 80-100 से ऊपर जा नहीं रही है अपना पूरा। रोड भी नहीं है भाई ऐसा यार, जाम लगा हुआ है। आराम से चला रहे यार अपना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई रश नहीं है हमको कि कहीं पे बहुत अर्जेंट जाके मीटिंग करनी है, कोई ऐसा कुछ नहीं है हमको। इसलिए अपना हमारा एक कुत्ता दोस्त वेट कर रहा है हमारी, बार बार फोन आ रहा है भाई कहाँ रह गए, वो बिना बताया था हमसे। तो भाई इसको थोड़ी बहुत सजा तो मिलनी चाहिए। उसको भी आज इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं आपसे कौन सा दोस्त है वो। तो गाइस 8 बजने वाले हैं और ये हमारी ट्रिप का दूसरा जाम लग चुका है और पता नहीं कितने लगाने वाले हैं, लास्ट जाम है। लेकिन यार बहुत तंग करते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड जिसको कह सकते हो ना आप, बहुत दिक्कत करते हैं यार अपना पूरे रास्ते में। एकदम आते हैं फुल स्पीड में कार को चलाते हैं, फिर एकदम से तोड़ देते हैं यार सब कुछ हमारे। स्लो टूट जाता है पूरे रास्ते का। अभी मुश्किल से यार 10-20 की स्पीड में चल रही है कार। आ चुका है हमारी ट्रिप का तीसरा और लास्ट कह सकते हैं इसको, लास्ट टोल है। और भाई आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, आपको हर टोल पे एक किन्नर जरूर मिलेंगे यार। हाँ भाई पैसे मांगे एक बार दे दिए, बार बार नहीं देते यार इनको। है नहीं,
तो भाई जो हमारी लोकेशन है जहाँ पे हमारा स्टे है रात का, वो मुश्किल से बस अब 10-11 किलोमीटर रह गए हैं, तो अभी देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं। टाइम यार बहुत ज्यादा हो गया है, जितना मैंने सोचा था ना उससे तो बहुत ज्यादा हो गया है। 8:40 हो गए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जयपुर के स्टार्टिंग में ही अपना स्टे वहीं पे ले रखा अपने भाई ने, उस भाई से मिलाएंगे आपको थोड़ी देर में, बस 5-10 मिनट का सफर। तो गाइस आ चुके हैं हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे, और यार व्यू चेक करो यार, सबसे पहले आप होटल का, पूरा खाली रोड है सारा, आपको क्राउड दिख जाएगा यहाँ पे आपको जयपुर का। एक साइड इस होटल के मंदिर है, एक साइड हवा महल है, एक साइड बस स्टैंड है, सारा ऑल इन वन है ये व्यू इस होटल का। तो गाइज इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आगे दिखाते हैं आपको पुष्कर की वीडियोस।